ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। ये जैसे कि आपको जानकारी में है कि आजकल विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इसी क्रम में जगह जगह पे अंतर्राज्यीय बैरियर के अलावा अन्य स्थानों पे जो है लगातार चेकिंग चल रही है। इसी चेकिंग के क्रम में कल डूमेट के पास यमुनोत्री जो हमारा हाईवे है डूमेट के पास में चेकिंग चल रही थी और इसी चेकिंग के दौरान एक कार पकड़ी गई है। ये निशान टेरनो लग्जरी गाड़ी है, इस पकड़ी गई है। इसमें सवार चालक से जब पूछताछ की गई और गाड़ी की जो तलाशी ली गई तो उसमें तीन चार अलग अलग नंबरों की जो है प्लेट मिली हैं। तो ये शक होने पर कि एक ही गाड़ी में अलग अलग नंबरों की प्लेट होने पर इसको लाया गया, इसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये जानकारी हुई है कि ये कार राकेश मारवा नई दिल्ली रोहिणी के रहने वाले हैं, उनके नाम से रजिस्टर्ड है और ये कार उन्हीं की है जिसके संबंध में मार्च 2021 में इनके द्वारा दिल्ली में FIR चोरी की दर्ज करवाई जा चुकी थी और FIR में इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है उसमें अंतिम रिपोर्ट लग गई थी और उसमें इंश्योरेंस भी क्लेम कर चुके हैं इस गाड़ी से। और तत्काल जब इन्होंने चोरी लिखाई है तो उस गाड़ी को यहाँ क्षेत्र में ला करके डूमेट के पास बरकोट गाँव में वहाँ क्षेत्र में ला करके इसको छुपा दिया है और गाड़ी को छुपा करके रखा हुआ था। और जब इनको लगा कि अब पुलिस की नज़र इस गाड़ी पे नहीं है तो फिर ये इसे लेकर के निकले थे और चेकिंग में पकड़े गए हैं। तो चालक के साथ साथ जो इसका मालिक है राकेश मारवा वो भी पकड़ा जा चुका है। बाकी इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये संगठित होकर के कहीं इस प्रकार से गाड़ियों की चोरी लिखा करके और फर्जी इंश्योरेंस क्लेम करने का काम तो नहीं करते हैं, पूछताछ इसमें जारी है। ये है जेएमडी न्यूज़ एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।